मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हूँ पवित्र मकर संक्रांति। तेज मकर संक्रांति उपलक्षे आप समस्त आम ओडिशा प्राइड परिवार तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। तेज फ्रेंड्स, प्रतिदिन पर सकाल सकाल देश विदेश बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी आपर जाना भाया खबर। तेज चलत बास आगामी किसी मिनिट मधे आज सकाल समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकड़ा। भिडियो को शेष पर्यटन देखा सहित भिडियो भल लगे समस्त निज आड़ गोटे गोटे लाइक करने सहित निश्चय अन्य सांगे सेयार करेंगे। मात्र दुखर कथ फ्रेंड्स, आपड़ को देखुंत मात्र ना ही लाइक करते ना ही सेयार करते। तेनाली समस्त अनुरोध करेंगे भिडियो जदि प्रकृत में आपको भल लगुता है समस्त निज आड़ बास गोटे गोटे लाइक करने सहित आपश्चय गोटे छोटिया सेयारे करनी समस्त बास गोटे छोटिया सेयार आम ओडिशा प्राइड परिवार को आहरी आगे नवे सहायक हम। तेज चलते फ्रेंड्स, डेरी नक आज भिडियो को फटाफट आरंभ कर नवा। बड़ खबर, सीमारे पाक निर्मित गुप्त सुड़ंग को ठाब कला बीएसएफ, पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री इमरान को खलीगला मुखा। तबे भारत पाक सीमांत गत काली भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जवान माने पाकिस्तान द्वारा निर्मित होता एक गुप्त सुड़ंग को ठाब कर घटना पर एवं पाकिस्तानी सेना और पाक प्रधानमंत्री इमरान खान असल मुखा खोली जाइए। कारण यही गुप्त सुड़ंग बाटे पाकिस्तान तालीमप्राप्त आतंकवादी को जम्मू काश्मीर को पठाई सेठे अस्थिरता सृष्टि करने लक्ष्य रही पाक आईएसआई। तेज उल्लेखयोग्य पूर्व गत नवेम्बर मसने पाक निर्मित यहीपरी आउ एक गुप्त सुड़ंग को सीमांत खोज बाहर कर भारतीय बीएसएफ। परवर्त खबर, कटक रे 12 एकर जमीन में निर्मित हेबो अत्याधुनिक बस टर्मिनाल, मुख्यमंत्री सूचना। तेज कटक रो खाननगर ठारे निर्मित हेबो अत्याधुनिक बस टर्मिनाल, एथिरे खर्च हेबो 65 कोटी टंका। तेज महान संग्रामी नेताजी सुभाष बोस नाम रे एही अत्याधुनिक बस टर्मिनाल को नामित कराजिबो बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक बैठक में घोषणा करिसेंती। तेज राज्य सरकार 5T कार्यक्रम अधीन कार्यकारी कराजिबो। सूची परवर्ती आउ एक बड़ खबर, कोरोना टीकादान स्वास्थ्य विभाग पक्षर गाइडलाइन जारी करागला, टीका खोलिबार 4 घंटा मध्य व्यवहार करने को हेबो। तेबे ओडिशा रे आसंता 16 तारीख रू कोरोना टीकादान कार्यक्रम आरंभ होबापई जाउचे। एथिपई राज्य को प्राय 4,08,000 डोज कोविशील्ड टीका और प्राय 20,000 डोज कोवैक्सीन टीका अणा जाइछि। तेबे 16 तारीख रे राज्यर पाखापाखि 60 टीकादान केन्द्र रे एही टीकादान अनुष्ठित हेबो। एही टीकादान कार्यक्रम लागि ओडिशा सरकारक स्वास्थ्य विभाग पक्षर एक गाइडलाइन प्रस्तुत करा जाइछि। तेबे प्रति कोविशील्ड भायल बा सीसी रे 10 डोज और प्रति कोवैक्सीन भायल 20 डोज रही। गोटे भायल खोलिबा परे सेथिरे थिबा सबु डोजर उपयोग करिबाकु हेबो। तेबे भायल बा सीसी खोलिबार 4 घंटा मध्य ताहाकु व्यवहार करिबा पई बाध्य। जदि राज्य को कारण सीमित संख्यक टीका आसी जेपरी ताहा नष्ट न हुए से प्रति जत्नवान हेबाकु पड़िबो बोली सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर आसुची पुणी खुशी खबर, कोविशील्ड परे भुवनेश्वर को आसला कोवैक्सीन कोरोना टीकार 20,000 डोज। तेबे कोरोना महामारी विरोध रे दीर्घ दिन लड़े पर एवं प्रतीक्षार अंत घटी। एवं कोरोना टीका को नहीं आसी आउ एक बड़ खुशी खबर, गतकाली कोविशील्ड कोरोना टीका पर भुवनेश्वर आज आसी पहुंची कोरोना टीका कोवैक्सीन, प्राय 20,000 कोवैक्सीन डोज आसी पहुंची। तेबे भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा प्रस्तुत करा कोवैक्सीन टीका को विमान बंदर अणा जाई एवं राज्य वैक्सीन स्टोर बा टीका भंडार रे रखा जाई। एठारु राज्यर विभिन्न टीकाकरण केन्द्र को टीका पठाजिबो। तेबे केन्द्र सरकार मोट 55 लाख डोज कोवैक्सीन टीका किणिबाकु अर्डर देइथिबा बेले सेथिरु ओडिसा रे पहुंचीछि 20,000 एवं कोवैक्सीन डोज पिछा 295 टंका दाबी करिछि भारतीय बायोटेक। परवर्ती खबर, चतुर्थ टेस्ट, ब्रिजबेन होटेल पाखु कोरोना ब्रिटेन स्ट्रेन चिन्हट होगापर क्वारेन्टाइन टीम इंडिया। तेज क्वींसलैंड रु चिन्हट होता एक नूतन कोरोना भाइरस मामला अधिक द्रुत संक्रमणशील यूके स्ट्रेन बोली जमापड़ा पर भारतीय क्रिकेट टीम समस्त सदस्य को कड़ा क्वारेन्टाइन में रखा जाइए। तेज भारतीय टीम अवस्थान करुवा होटेल निकट में एक क्वारेन्टाइन होटेलु यही भूतण संक्रमण मामला सब चिन्हट कर फल जानुरी 15 तारीख में ग्यावरे होगा था भारतीय ऑस्ट्रेलिया चतुर्थ टेस्ट मैच खेलपाई एक नुआ समस्या सृष्टि होती। आसुची परवर्ती आउ एक बड़ खबर, राजधानी में खाद्य एवं शीतवस्त्र बंटन उपरे लागिला रोक, बीएमसी बिना अनुमति रे बांटिले सामग्री हेबो जबत। तेबे विभिन्न व्यक्तिशेष स्वेच्छासेवी संस्था एवं रास्ता कड़े सौथवा लोकों राति खाद्य कंबल मशारी शीतवस्त्र आदि बांटुचंती। तेबे आगक यह बीएमसी पक्षर कहुई बीएमसी बिना अनुमति में कहीं रास्ता कड़े बासवास करसशून्य लोकं जदि कौन सामग्री बांटती तेज कहीं बांटुवर जब भी देखा जाए तो आईनगत कार्यानुष्ठान सहित समस्त सामग्री जबत करीएमसी पक्षर कहुई। परवर्ती खबर, राज्य को पुणी फेरिला शीत, कमिबो तापमात्रा। तेबे राज्य को पुणी थरे फेरी शीत, राज्य मध्य को उत्तरा थंडा और शुष्क पवन प्रवाह पर अनुकूल परिवेश सृष्टि होती। आसंता किछि दिन पई उत्तरा थंडा और शुष्क पवन ओडिशा को प्रभावित होउछि, फलरे आसंता 2 रु 3 दिन मध्य राज्य में तापमात्रा कमिबा आरंभ करिबो। एपरिकी आभ्यंतरण ओडिशा जिला गुड़िक 4 डिग्री पर्यंत पारद खसी पारे। तेबे गतकाली सकाळु राज्यर एहार प्रभाव अनुभूत होबार आरंभ होई जाइछि।
परवर्ती खबर पोरी हत्या मामला राज्य सरकार एवं सीबीआई को नोटिस जारी कले सुप्रीम कोर्ट तबे सीबीआई तदंत दाबी करी परीर मां सौदामिनी साहू करितिबा आवेदन रो सुनानी करी सुप्रीम कोर्ट आज सीबीआई ओ ओडिसा सरकार को नोटिस जारी करिसेंती जस्टिस एएम खानविलकर को नै गठित सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ एही मामला रो सुनानी करबा सहित सीबीआई को नोटिस जारी करिसेंती परवर्ती खबर निजो फार्म रे कड़कनाथ कुकुड़ा चासो करिथांते धनी मरा गला 2500 कुकुड़ा तबे निजो फार्म रे कड़कनाथ कुकुड़ा व्यवसाय करबा को इच्छा प्रकाश करथिले भारतीय क्रिकेट टीम रो पूर्वतन अधिनायक महेंद्र सिंह धनी आ धनी को फार्म पई बराद दे जैतिबा पाखापाखी 2500 कड़कनाथ कुकुड़ा को बर्ड फ्लू कारण रो मध्य प्रदेश सरकार मारी दैछंती मिलिथिबा सूचना मुताबिक झारखंड रांची रे फार्म हाउस करथिबा धनी नवंबर मास रे मध्य प्रदेश रो रुंडी पडा रे थिबा एको कुकुड़ा फार्म को कड़कनाथ कुकुड़ा पई ऑर्डर दैथिले आ खूब शीघ्र धनी को फार्म को एही कुकुड़ा आसुची परवर्ती आउ एक बड़ खबर टलिला बड़ धरणर अघटन बरफ रे धक्का खाइले 233 यात्री को नहीं जाऊथुबा इंडिगो विमान तबे जम्मू काश्मीर श्रीनगर विमान बंदर बुधवार इंडिगो एयरलाइंस रो विमान एक बड़ धरणर दुर्घटना रु अल्पके बर्ती जाइछि तबे उक्त विमान रे 233 जन यात्री बसी यात्रा करथुबार जणा जाइथिला तबे समस्त यात्री को विमान रो युद्धकालीन भितरे विमान रो ओल्हाई दिया जाइथिला सौभाग्यवशत एहि दुर्घटना रे काहार भी किछि क्षति होइ नाही परवर्ती खबर पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश रावंकर परलोक शोक जणाइले प्रधानमंत्री ओ मुख्यमंत्री तबे काली राष्ट्रीय सम्मान स शेषकृत्य राष्ट्रीय सम्मान स विशिष्ट समाजसेवी पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश रावंकर शेषकृत्य संपन्न हेबो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एही घोषणा करिसेंती तबे आसंता काली कटक स्थित कालियाबदा श्मशान रे स्वर्गत श्री रावंकर पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार करा जीवो परवर्ती खबर 5 दिन रो व्यवधान परे पूणी बढ़िला तेल रो दर भुवनेश्वर 85 मालकानगिरी रे 90 टपिला पेट्रोल तबे 5 दिन रो व्यवधान परे पूणी थरी पेट्रोल एवं डीजल रो दर वृद्धि पाइछि आज तैल मार्केटिंग कंपनी माने पेट्रोल रो दर 25 पैसा एवं डीजल दर 27 पैसा वृद्धि करिसेंती अंतरराष्ट्रीय बाजार रे तेल दर बढ़ी चलितिबारु एही दर वृद्धि होइतिबार कहा जाउछि तबे आज रो दर वृद्धि परे भुवनेश्वर रे पेट्रोल लीटर पिछा रेकॉर्ड स्तर 85 टंका 11 पैसा रे पहुंची जाइछि सेइ परे डीजल रो दर 81 टंका 31 पैसा रे पहुंची छि तबे भाट अनुसार राज्य रो अन्य जिला मानकर दरर तारतम्य परिलक्षित हेउछि परवर्ती बड़ खबर पाकिस्तान रे चांचल्य 14 वर्षिया नाबालिका को दुष्कर्म जंत्रणा ठाळो बळी गला कुमारित्व परीक्षण रो जातना तबे पाकिस्तान रे दुष्कर्म रो शिकार हेउथुबा नाबालिका मानक पई एबे अभिशाप पालटिछि कुमारित्व परीक्षा दुष्कर्म जनित जातना एवं जंत्रणा ठाळो पीड़िता मानक पई अधिक वेदनादायक एवं दुर्विषह होई पडुछि एहि कुमारित्व को परीक्षण आ विडंबना हला पाकिस्तान रे जदि अविवाहिता जुबिता मान युवती माने दुष्कर्म रो अभिजोग पुलिस निकट रे आगत करंती तबे सेवानक पई कुमारित्व रो परीक्षण हेबा हेउछि बाध्यतामूलक तबे पाकिस्तान रे विगत दीर्घ वर्ष धरी ए व्यवस्था चली आसुछि तबे निकट रे दुष्कर्म रो शिकार होइतिबा जनैका 14 वर्षिया नाबालिकांकर कुमारित्व परीक्षण काल रे तांको दिए जैतिबा जातना एवं निर्यातना संपर्क रे से गणमाध्यम रे खुलासा करबा परे एबे यहा को केन्द्र करी आरंभ होइछि हलचल परवर्ती खबर एबे 30 मिनिट रे पहुचिबो एलपीजी सिलेंडर फेब्रुवारी 1 रो मिलिबो एही सुविधा तबे एलपीजी गैस सिलेंडर रो बुकिंग परे एबे आपनको 2 रो 4 दिन अपेक्षा करबा को पडिबनी सरकारी तैल कंपनी इंडियन ऑयल एलपीजी तत्काल सेवा आरंभ करबा पई योजना करूची जहा द्वारा आपन केवल अध घंटा रे घरे सिलेंडर गैस पहुचि जीवो अर्थात जेउ दिन आपन गैस सिलेंडर बुक करिवे सेही दिन आपनको 30 रो 45 मिनिट मध्ये रे मिलि जीवो सिलेंडर तबे प्रति राज्य रो गटिए शहर रे आईओसी एही सुविधा आरंभ करबो एहा हेबो तत्काल एलपीजी सेवा 30 रो 45 मिनिट पधरे घरे पहुंची जीवो सिलेंडर तबे खबर मुताबिक आईओसी प्रति राज्य रे गोटिए शहर किंबा जिला चयन करबा परे एही सेवा आरंभ करिवो एही सेवा माध्यम रे कंपनी निजो ग्राहकक निकट रे 30 रो 45 मिनिट मध्ये रे सिलेंडर पहुंचाइबो कंपनी कहिछि जे एनी काम आरंभ जारी करा जाइछि खूब शीघ्र एही सुविधा उपलब्ध करा जीवो तबे 1 फेब्रुवारी रु एही सेवा आरंभ हेबो आसुची परवर्ती आउ एक बड़ खबर हिंसाकांड आशंका करी ट्रंप वीडियो अपलोड निषेध कला यूट्यूब तेज बलपूर्वक कैपिटल बिल्डिंग रे प्रवेश घटना पर हिंसाकांड घटवार आशंका थी दर्शाई अनुन्य गोटे सप्ताह पर्यंत गूगल रो यूट्यूब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियल चैनल को ब्लॉक बा अवरोध कर देछि विलंबित मंगलवार दिन कंपनी ट्वीट कर लिखिछि समीक्षा पर भविष्य में हिंसाकांड घटवा आशंका करी तथा आम नियम उल्लंघन करथिबा कारण डोनाल्ड ट्रंप कर चैनल अपलोड होइतिबा नुवा सूचना संबलित तथ्यवळी वीडियो सब हटेई दैछु तबे निकट रे घटी जाइतिबा हिंसाकांड संक्रांत रे ट्रंप को चैनल ले दिया जाइतिबा समस्त मंतव्य बा कमेंट सब को मध्य आमे निस्ताव रे डिसेबल बा अकामी कर दिए जीवो बोली कंपनी कहिछि
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ କଟକରେ ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷେ ମକର ଚାଉଳ ଖାଇବା ସହିତ ଗୁଡି ମଧ୍ୟ ଉଡେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଗୁଡିରେ ଲାଗୁଥିବା ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାର ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ବା ସିଏମ୍ସି ତେବେ ଏହାର ବିକ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିବା ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ତିନି ସ୍କୁଲରେ 19 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁଣି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲାଇକେରା ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ 13ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 775 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ହେବାରୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ସାହସପୁରରେ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଜିପି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ସାଲେଟିକିରାରେ 2 ଜଣ ହେମସଙ୍ଗର ହାଇସ୍କୁଲ ପାକେଲଖୋଲରେ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରାଯିବ ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ ନା ଖୋଲା ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 210 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଜଣେ ମୃତ ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 210 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 122 ଜଣ ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଥିବାବେଳେ 88 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂତନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 3,32,541 ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି 3,28,452 ଜଣ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି 2,141 ଜଣ ତା ସହିତ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 48,000 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 83ଟି ତେଜସ୍ ବିମାନ ଖରିଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ତେବେ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଆଜି ପ୍ରାୟ 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତେଜସ୍ ବିମାନ ଖରିଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ହାଲ୍ଠାରୁ 63ଟି ତେଜସ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଓ 10ଟି ତେଜସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ବିମାନ ଖରିଦ କରାଯିବ ଘରୋଇ ବଜାରରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଖରିଦର ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଅଭାବ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଖବର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 7,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଚ୍ଆଇଭି ରୋଗୀଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ରକ୍ତ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ହେଲେ ଭୁଲ ବଶତଃ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 7,500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 2,500 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁସାରେ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ଚିନି କିସମିସ୍ କାଜୁ ଗୁଜୁରାତି ଏକ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଏକ ଆଖୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦେବେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ କିଣିବା ବାବଦରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ 2,500 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୀଘ୍ର ପକ୍କା ଘର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦାକୁ ମିଳିବ 500 ଗୃହ ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର ଗତ 2016ରୁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଆସୁଥିବା ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ବା ଆର୍ଏମ୍ସି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି 500 ଗୃହ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି 10 ଏକର ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 1,500 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ PPP ମୋଡ୍ରେ ଏସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀ ବିପିୟୁଟି ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ 5.5 ଏକର ଜାଗାରେ 500 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି ଆର୍ଏମ୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଛାଡ଼ ହେଲା ତେବେ କରୋନା କାଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 37 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବେ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 420 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବୋଝ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ସମୟ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ରଖିବାର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଉ କେତେକ ନୂଆ ଖବର ସହିତ ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ